चुनौती तो है एक तरह से, क्योंकि वो जो एम फैक्टर है, वो जो समीकरण है, अगर असदुद्दीन ओवैसी आ जाते हैं चुनाव मैदान में तो फिर क्या करेंगे? 5 सीटें नहीं तो 25। देखिए, ये केवल एक अफवाह उड़ाया जा रहा है और बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी सर समाज को लेकर चलने का काम करते हैं। जो पीडीए को उन्होंने बात की तो पीडीए में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक ही नहीं, जो सामान्य वर्ग भी जो विकास से वंचित है उनको भी पीडीए में हम लोग लेकर साथ। लेकिन इस प्रस्ताव पर तो जवाब दीजिए, ये अगर नहीं तो फिर क्या मानेंगे या नहीं? नहीं मा, क्यों? आज उत्तर प्रदेश का एक एक अल्पसंख्यक हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे दलित समाज हो, जो विकास से वंचित है वो माननीय अखिलेश यादव जी को अपना नेता मानता है और समाजवादी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करेगा। आपने जवाब सही से दिया नहीं, मैं समझ रही हूँ। एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति है, कांग्रेस कैसे देख रही है? कांग्रेस साथ में है गठबंधन के, हम यह गठबंधन मानवता का गठबंधन है, यह इस देश के संविधान को बचाने का गठबंधन है और इस कदम पर हम सपा के साथ हैं गठबंधन में, क्योंकि आज भारत की अस्मिता, भारत का संविधान जिस ढंग से देश को एक देश के सामने खतरा मंडरा रहा है, उसलिए हम सपा के साथ खड़े हैं। ठीक है, सपा के साथ आप खड़े हैं, गठबंधन में शामिल हैं, लेकिन ओवैसी संकेत तो दे रहे हैं ना, कम से कम आप लोग तो छोटी छोटी पार्टियों को जोड़ रहे हैं फिर? बिल्कुल, अगर ओवैसी जी संकेत दे रहे हैं और जैसा कि समाजवादी के साथ हमारा गठबंधन है, अगर इस गठबंधन में अगर हमें लगा ऐसा कि नहीं ओवैसी जी को साथ लेना उचित होगा तो हम उससे कहीं अलग भी नहीं रहेंगे। चलिए देखते हैं, क्योंकि आपने एक इशारा दे दिया, भले ही समाजवादी पार्टी कुछ नहीं कह रही, अब यहाँ पर बीजेपी के विधायक हैं हमारे साथ चौबे जी। चौबे जी, आप इसे कैसे देख रहे हैं? मतलब असदुद्दीन ओवैसी, एक तरफ कोशिश बीजेपी की भी है कि मुस्लिमों को साथ लाया जाए, अब ओवैसी भी एंट्री करने के लिए तैयार? देखिए, भाजपा का स्पष्ट मत है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो भाजपा के साथ जो आना चाहेगा, प्रयास कर रहा, वो हम लोग उसको स्वीकार करेंगे। और ये ओवैसी जी का इंडिया का ये प्रस्ताव अगर ओवैसी की तरफ से आपको मिलता तो? ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे कि क्या करना है। ओवैसी जी प्रस्ताव को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मामला है, वो तय करेंगे। और जहाँ तक रही बात भारत का एक एक जन के विकास के लिए, भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी संकल्पित है, वहाँ कोई भी न जाति न धर्म, हर व्यक्ति का विकास विकास विकास। लेकिन एक छोटा सा सवाल फिर बीएसपी के मेहमान के पास जाऊंगी कि अगर साथ आ गए मान लीजिए तो चुनौती है या नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का के सामने अभी कोई चुनौती नहीं है, स्पष्ट मत है 400 पार, कोई चुनौती नहीं, किसी प्रकार का कोई लड़ाई नहीं। चलिए, आप कह रहे हैं कि कोई चुनौती नहीं होगी, लेकिन आप बीएसपी का भी पक्ष जान लेते हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, बीएसपी का क्या स्टैंड है, चल क्या रहा है दिमाग? बीएसपी संवैधानिक तरीके से सोचती है और संवैधानिक तरीके की बात करती है। वर्तमान समय में कैसे सरकार बनाई जाए, कैसे सरकार गिराई जाए, सारे दल इस पे लगे हुए हैं, मुद्दों पे बात नहीं हो रही। सारे दल, इशारा किसकी तरफ? हम दोनों गठबंधनों की बात करते हैं, मतलब बीजेपी की भी और ये जो नया गठबंधन यूपी में बंधन की। 10 साल पहले सत्ता पक्ष ने क्या क्या जनता से वादा किया, विपक्ष का दावी तो बनता है कि सत्ता पक्ष से उस मुद्दे पे सवाल करे, कहाँ गए वो नौकरियाँ, कहाँ गए रोजगार के साधन। आज सरकार वाहवाही कर रही है, पूरे दुनिया में सीना ठोक रही है कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं। ये हमारे देश की हकीकत बन चुकी है, 80 करोड़ जिस देश की आबादी 5 किलो राशन पे जिएगी, उस देश की मजबूती कहाँ से दिखेगी? मतलब राशन मिल रहा है लोगों को, तो ये आपका, आप कह रहे हैं कि गलत, आप रोजगार कब देंगे? ठीक है, मैं सवाल पूछती हूँ, लेकिन उससे पहले ये बीजेपी के विधायक से सवाल मेरा होगा, लेकिन आप मुझे ये बताइए असदुद्दीन ओवैसी, ये इसलिए क्योंकि देखिए उनकी ये डिमांड बहुत महत्वपूर्ण है अभी मौजूदा परिदृश्य में, आप भी जानते हैं, छोटे छोटे दलों को अगर साथ ला रहे हैं तो ओवैसी तो एक बड़ा चेहरा और एक बड़ा फैक्टर है आपके एम समीकरण से जुड़ा। देखिए, ये आपका सवाल जो है, मैं पहले भी कहा आपसे कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय अखिलेश यादव जी को हर वर्ग का लोग पसंद कर रहे हैं, युवा पीढ़ी भी पसंद कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी की बात है, अगर वो अपनी बात को रखते हैं, कहीं बात बनती है तो ये विषय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, उनका आदेश होगा। आप लोग समाजवादी पार्टी के सिपाही बिल्कुल स्वागत करेंगे, उनको भी साथ लेके कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करेंगे, मगर मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस पे मंथन करेंगे। उनको समझ में आता है कि इनके आने, अगर वो खुद आ रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, अगर वो लेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो हम लोग स्वागत करने का काम करेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए।
और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।